अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सब लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में मौजूद होंगे। तो कल मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने लेटर हेड, इनवेलप और ब्रोशर और फ्लायर के बारे में कहा था। मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा। इससे प्रीवियस वीडियो जो दो मैंने अपलोड की थी, एक के अंदर मैंने विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाया था, एक के अंदर मैंने बनाना सिखाया था आईडी कार्ड, और उससे एक और थर्ड लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने लोगो बनाना सिखाया था। तो उन तीनों वीडियोस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और इसके आई बटन में अवेलेबल है, वो भी लाजमी देखें। तो ये था कि आज की वीडियो में मैं आपको चार चीज़ें बताऊंगा। वो लाजमी नहीं है कि मैं आपको बना के सिखाऊँ। नेट पे हज़ारों से भी ज़्यादा बल्कि लाखों डिज़ाइन मौजूद हैं या टेम्पलेट मौजूद हैं जिनको आप लोग आसानी से देख के बना सकते हैं। या अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं, तो आप खुद भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ये है कि आजकल जिस तरह की जो टेक्नोलॉजी जा रही है, या मैं कह दें दौर जो जा रहा है, इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको लाखों से भी ज़्यादा डिज़ाइन पड़े हुए, मतलब बने हुए पड़े हुए हैं नेट पे। तो ये है कि आप उन्हीं डिज़ाइन को देख के कुछ बना सकते हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि डिज़ाइन अवेलेबल नहीं होते थे, लोग खुद दिमाग से सोच के उसको नेट पे अपलोड करते थे, रजिस्टर करवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर चीज़ अवेलेबल है नेट पे। अब लोग सिंपली उससे आइडिया लें, उससे किस्म की क्रिएटिविटी सोचें उसको देख के और अपना एक डिज़ाइन बना लें। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो फिर आज। तो फर्स्ट ये देखें, जिस तरह मैंने एक इमेज ओपन की हुई है, इस इमेज में देखें आपको सबसे पहले तो ये एक किस्म की आईटी कंपनी सी है, ठीक है, डिज़ाइन सा लग रहा है। ये एक टेम्पलेट है उस बंदे ने, मैंने नेट से, वैसे गूगल से, ये मैंने सिंपल गूगल सर्च से उठाया है, ठीक है जी। और ये एक वेबसाइट है जिसका ये एक किस्म का ये इमेज है वहाँ, ठीक है, उन्होंने उससे वाटर मार्क भी डाला है। तो देखिए सिंपल, इसमें सबसे पहले तो विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है और इनवेलप का फ्रंट और बैक है, और ये आपका जो उसने बनाया है लेटर हेड बनाया हुआ है इस साइड पे, ये एक किस्म का आपका पोस्टर कह सकते हैं, या इस तरह का एक बना हुआ। तो देखें उसने क्या सबसे मेन चीज़ जो आपने नो इसमें लिखनी है, इस बात इस पिक्चर में लिखनी है, या जो आपने लिख लेनी है अपने पास, वो ये है कि लोगों से लेके एंड वाले आपके पैकेज डिज़ाइन फोल्डर तक टोटल 12 से 13 चीज़ें बनती हैं। इन सब की थीम सेम होनी चाहिए, ठीक है। थीम से बना दे, जो ऊपर ये ग्रीन लाइंस आ रही हैं ये सेम होनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपने अपना लोगो तो यूज़ करना ही करना है। जो कलर्स हैं, कलर्स भी आपने वही रखने हैं जो आपने लोगों के या आईडी कार्ड के, विजिटिंग कार्ड के सबके रखे थे, सेम कलर स्कीम रखनी है। कलर्स को चेंज नहीं करना, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा ऐसा। या कुछ ऐसे डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई वेबसाइट है या कोई कंपनी है, उनका क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, वो उस चीज़ को या उस अपने आइडिया को ऐसा डिज़ाइन करते हैं, ऐसी कलर स्कीम रखते हैं कि वो कहीं ना कहीं कलर कुछ ना कुछ मैच होते हैं। सबसे जो आसान चीज़ है, आसान जो बनाने वाला है ना, जिसके डिज़ाइन अवेलेबल हैं सबसे ज़्यादा आसानी से, जो बन जाती हैं चीज़ें, वो सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज की हैं। मैंने ज़्यादातर लोगों की देखी हैं तस्वीरें, वो क्या है कि फूड पे बना रहे, रेस्टोरेंट फूड, वो बहुत ज़्यादा ना कलरफुल होता है। क्यों? फूड बेसिकली खाने वाली चीज़ है, तो उसमें कलरफुल होना चाहिए ताकि लोग लगेंगे यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो एक प्रोफेशनल या सिंपल सा काम है ना, वो है आईटी कंपनी होना। अब देखें इसमें कुछ भी नहीं है, उसने सिंपल हल्का सा ना ग्रेडियंट वाइट और ग्रे का ग्रेडियंट बैकग्राउंड यूज़ किया, और सिंपल उसने बाकी चीज़ें बना दी। कोई भी इसमें इसने डिज़ाइन और यूज़ नहीं किया, ये सिंपल सा था। एक और भी डिज़ाइन है, ये देखें ये किस्म का उसने बनाया हुआ है, स्मार्ट आइडिया उसने वैसे लिखा है, आप उसको अपनी कंपनी का नाम यहाँ लिख सकते हैं। ये एक छोटा सा उसका लोगो है। अभी देखिए उसने जगह जगह पे प्लेन वाइट बैकग्राउंड के साथ काम किया, कोई उसने एक्स्ट्रा कलरिंग, एक्स्ट्रा स्टाइल कुछ भी नहीं यूज किया, ठीक है। ये सिंपल फॉन्ट है, सिंपल जो कि ना आप लोग किस्म का वर्ड पे भी यूज़ करते हैं, ये वो फॉन्ट यूज़ करते हुए सिंपल उसने इसको बनाया, ठीक है जी। कोई इसमें डिज़ाइनिंग नहीं की, मतलब डिज़ाइनिंग से मतलब फॉन्ट जैसे डिज़ाइनिंग डाली, ये सिर्फ एक इमेज बहुत खूबसूरत से स्टाइल में डाली हुई है। ये क्लिपिंग की हुई है बेसिकली, क्लिपिंग भी आसान चीज़ है, क्लिपिंग भी आप नेट से देख सकते हैं कैसे होती है, मेरी भी वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। ये सिंपल क्लिपिंग करके उसने इसको इमेज को इसके अंदर अटैच कर दी। चलिए मैं सबसे पहले गूगल खोलता हूँ, ये वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है।
आपको मैं स्टाइल दिखाता हूँ, डिज़ाइन दिखाता हूँ, और उसके ऊपर से हम लोग चीज़ें को अपना स्टार्ट करते हैं। और पहली बात यह है कि जो इनवेलप है उसका जो एक किस्म का आउटलाइन है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी टेम्पलेट्स का दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करें और उसमें एडिटिंग करें। वो भी दिखा भी दूंगा आपको कैसे थोड़ा सा उसको एडिट करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने गूगल पे सिंपल जाकर लिखना है स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी तो पता ही होगा आप सबको, ठीक है जी, कि स्टेशनरी होता है क्या। स्टेशनरी ये पेन पेंसिल की चीज़ें, आपने लिखना है स्टेशनरी पैकेज डिज़ाइन टेम्पलेट्स, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो इमेजेस खोलें, तो देखिए आपको ये बेताशा, मैंने ये बहुत सिंपल था जो पहला डिज़ाइन था वही उठा लिया था। अब देखिए आपको बेताशा आइडियाज़ मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक खूबसूरत सा डिज़ाइन है फूड से रिलेटेड, हेल्दी फूड। अब ये देखिए बहुत खूबसूरत, लेकिन इसमें देखिए थीम, मेन गौर करें थीम, थीम अब कैसे मैच हो गया। इसमें देखिए उसने इसमें कलर सारे सेम रखे, ग्रीन और ऑरेंज कलर ही यूज़ किया, तो हर जगह पे आपने देखें ग्रीन और ऑरेंज कलर ही यूज़ हो रहा है। अब देखें इसमें इतने बबल्स यूज़ किए हैं, वहाँ पर बबल्स नहीं यूज़ किए, इसका कोई इशू नहीं है, ये आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रखें कि थोड़ा बहुत मैचिंग हो सके इसका। और हम आइडियाज़ देखें, फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा हम लोग आते हैं ये देखें, ये आप थोड़ा सा देखें कलरफुल होगी चीज़। कलरफुल से मुराद इसमें बहुत सा, इसमें जो इनका पोस्टर बना है बहुत कलरफुल सा बनाया है इन्होंने, बाकी इनवेलप देख सकते हैं। अब तो और भी आपको मैं सिंपल से स्टाइल दिखाऊँ तो ये देखें, एक ये बहुत सिंपल सा स्टाइल है, कुछ भी नहीं उसने यूज़ किया हुआ, सिंपल ये साइड पर देखें बाउंड्री बनाई हुई है और कलर बस सेम रखा हुआ है हर जगह पे, वाइट बैकग्राउंड के साथ ये काम किया हुआ। एक सिंपल वेबसाइट का नाम है वो है फ्री पिक, जैसे फ्री पिक लिखेंगे ना PI के, तो गूगल पे फर्स्ट वेबसाइट खुल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ फ्री, सॉरी ठीक है जी, फ्री पिक मैंने सर्च की तो ये देखें ये पहला ही लिंक आ गया, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है, ओपन हो गया। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि इनवेलप से सबसे पहले तो लेटर हेड, लेटर हेड का हम लोग देख लेते हैं, लेटर हेड को देख लेते हैं। अब देखिए सिंपल लेटर हेड्स के डिज़ाइन मौजूद है, इसमें कुछ भी नहीं। अब इसका जो साइज़ है वो क्या होता है, वो A4 का साइज़ होता है, A4 का पेज पता है ना, A4 का साइज़ आपने सिंपल रखना है। उसका मैं आपको बेशक दिखा देता हूँ भाई, ये ओपन होता है इलस्ट्रेटर, मैं उसको दिखा देता हूँ। इतने में हम लोग के काम करते हैं, लेटर हेड के कुछ डिज़ाइन देख लेते हैं। अब देखिए लेटर हेड, बिजनेस लेटर हेड कर लें, ठीक है जी, ये बिजनेस लेटर हेड है। अब बल्कि एक और काम करते हैं, अक्सर लोगों ने फूड रखी है ना, तो फूड लिखते हैं, फूड लेटर हेड, ठीक है जी। अब आप ये देखें फूड लेटर हेड, एक काम करते हैं फूड कंपनी लिख लेते हैं, ठीक है, फूड कंपनी लेटर हेड ऐसे किया तो आपके पास ये कुछ चीज़ें होगी। अब ये देखें ये इस पर एक मार्क बना हुआ है प्रीमियम का, प्रीमियम ठीक है जी, प्रीमियम का मुराद है कि आपको ये परचेज करना पड़ेगा। अब आपको परचेज करने की क्या ज़रूरत है, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से आइडिया देखें और उसको अपने मुताबिक थोड़ा सा एडिट करके उसको यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है, आप सिंपल इतना यूज़ कर सकते हैं हर चीज़ को, ठीक हो गया। हमारा इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है लेटर हेड। लेटर हेड में क्या करना है, सिंपल आप लोग अगर यहाँ पर ऑप्शंस पे आते हैं, देखिए ऊपर सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मोबाइल की, वेब की, प्रिंट की, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर फर्स्ट पे लेटर है, सेकंड पे वो है A4 पेज। यहाँ से आपने क्या करना है, इंचज में कन्वर्ट, आप देखें इंचज में कन्वर्ट करें तो ये आपको साइज उसने दे दिया है जो ये पहले से ही कनेक्ट मतलब सेट हुआ हुआ है। अगर आपने लेटर हेड को प्रिंट करवाना है तो यहाँ से उसका मोड चेंज करें CMY के, और उसकी जो रास्टर इफेक्ट है वो फुल 300 पे रखें, ठीक है, और इसको क्रिएट करते हैं। इसमें जो साइडों पे मैंने फर्स्ट वीडियो पे लोगों की या दूसरी वीडियो पे वो एक ग्लीड का ऑप्शन बताया था, वो जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि ये A4 का पेज है। सिंपल आपने प्रिंट करवाने से पहले उस प्रिंटर वाले बंदे को बोलना है या जो भी दुकान पे शॉप पे बंदा है उसको बोलना है कि आपने फिट टू स्क्रीन नहीं रखना, फिट टू स्क्रीन नहीं रखना, जिस तरह डिफॉल्ट इमेज है सेम इसी तरह प्रिंट कर दें पेज के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली पेज पे प्रिंट हो जाएगी। ये देखें ये आपका लेटर हेड का स्टाइल बन गया, तो इसमें कोई भी सबसे आसान मतलब ये चीज़ है लेटर हेड में आ जाती है, इसका कोई टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, मीन्स टेम्पलेट से मतलब साइज इसका फिक्स पहले से मौजूद होता है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अब ये देखें ये एक बहुत अच्छी मिसाल है, ये देखें ये भी परचेज है, तो इसमें हम लोग
जरूरी थोड़ी है आपने परचेज करें। आप फॉर एग्जाम्पल इसको देख लें आइडिया को, आप देखें ये मैं थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाऊंगा आपको, ये देखें जी। सबसे पहले तो ये इसका कार्ड हो गया, ये इसका मग हो गया, ये इसने एक कॉफी कप बना लिया, ठीक है जी। इसके बाद ये इन्होंने बना लिया जी कैलेंडर बना लिया, ये डायरी दो किस्म की, कैप बना ली, वेबसाइट बना ली, ये इसका ब्रोशर आ गया, ठीक हो गया। अब ये इसका फ्लायर आ गया, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें उन्होंने कंप्लीट बनाई। अब इसमें मेन क्या देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इनकी सबकी थीम देखें, थीम सबकी सेम है, थीम से मुराद कलर और उसका पैटर्न वो सारा सेम आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी चीज़ को बनाने में। अब हम बात करते हैं इनवेलप की, इनवेलप जो आपने बनाना होता है, इनवेलप का जो टेम्पलेट है वो मैंने आपको पहले बताया, मैं नीचे गिवन दे दूंगा, वो मैं फादर में ऐसे खोल के दिखाता हूँ आपको। मैं सिंपली गया अपनी फोल्डर में, अपने फोल्डर में गया, यहाँ से मैं जैसे ही जाता हूँ, ये देखें ये मेरे पास इनवेलप का पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में, आप डाउनलोड करें उसको यूज़ करें। आप देखें असल में सोचने वाली देखने वाली क्या बात है इसके अंदर, वो देखने वाली ये बात है कि इसमें दो लेयर्स हैं, ठीक है जी। एक है जी ये डाई कट की लेयर, ठीक है, इसको आपने चेंज नहीं करना। ये जो आपका पीछे आउटलाइन नज़र आ रही है, नहीं आउटलाइन बनी बनाई है, ठीक है, आपने इस पर कोई काम नहीं करना। नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करके कोई भी यहाँ पर आपने अपने काम करना शुरू करेंगे तो वो नीचे वाली लेयर पर आती जाएगी, ठीक है। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट काम ये है कि जो इनवेलप होता है ना इनवेलप, इसकी कुछ चीज़ें आपने नहीं छेड़नी होती। एक तो ये दरमियान वाला एरिया, इतना एरिया, इस एरिया पे ना असल में होता क्या है, इस एरिया पे आपका एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है, जहाँ जहाँ जो सेंड करना होता है वो चीज़ लिखी जाती है। एक और जो एरिया होता है इस लेटर हेड का, थोड़ा सा ही बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल इतना, हाँ इतना, ठीक होता है, इतना एरिया आपने नहीं छेड़ना होता। सेकंड जो इसमें चीज़ होती है वो यहाँ पर होती है, वो यहाँ पर लगाते हैं स्टैंप। किसी भी जगह पे आप अगर ये टीसीएस करने जाएं मतलब, तो यहाँ पर स्टैंप लगाते हैं हमेशा कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये आप देख भी रहे होंगे कि मैंने ये डिज़ाइन लेयर पे किया, तो ये डिज़ाइन लेयर पे सब आ रहा है, इस लेयर में कुछ भी नहीं आ रहा, वो फिक्स है। इस लेयर को सेलेक्ट करके आपने ये काम करना है। अमूमन जो मैंने डिज़ाइन देखे हैं वो यहाँ पर लोगो होता है और यहाँ पर कुछ इनका टेक्स्ट होता है, इस एरिया में उनका टेक्स्ट होता है, ठीक होकर यहाँ पर एक किस्म का वाटर मार्क आ जाता है उनका। आप इस तरह भी कर सकती हैं, बस शर्त ये है कि आपने जो ये दरमियान वाले ये दो एरिया है ना, ये दो एरिया इनको नहीं छेड़ना, इनको खाली छोड़ना है हमेशा। ये इसकी फॉर एग्जांपल के सोच लें कि फॉर एग्जांपल ये इनवेलप है ना, तो ये इनवेलप है तो ये इसकी ये साइड होगी, ठीक है। अब ये एक बैक साइड होती है, ठीक है, वो बैक साइड ये नीचे वाली बैक साइड है एक किस्म की, इस पे भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा, ये एक किस्म का फोल्डिंग है, जब ये प्रिंट होगा तो इसको कट आउट करके आप इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब इशू ये आता है कि जो इसका साइज है वो है 9x4 इंचेस। अब जो A4 का पेज होता है वो ऑलमोस्ट होता है 8x11 इंचेस का, ठीक है जी, 8x11 इंचेस का पेज होता है। तो आपने उस बंदे को बोलना है, सॉरी 8x11 होता है, एक मिनट मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ, लेट मी चेक, सॉरी 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 सॉरी, कंफर्मेशन करने में कोई इशू नहीं है। हाँ A4 का ये रहा, हाँ मैं सही कह रहा था, 8.2x11.693 का साइज होता है A4 का। तो जो आपने प्रिंट करवाते हुए उस बंदे को कहना है कि इसको एक तो फिट तो स्क्रीन नहीं करना, ठीक है, और यह है कि इसका थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है इस पेज के मुताबिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 11 है ना हाइट, तो जो आपकी हाइट है इसकी इनवेलप की वो आ रही है तकरीबन ऑलमोस्ट 10 आ रही है, ठीक है जी, 10 आपकी हाइट होगी, सॉरी गलत हो गया, उलट हो गई ये चीज़, आपका ये हिसाब उलट होता है, सही है, 9 उसकी विड्थ होती है और हाइट उसकी 4 होती है। आप कोई मसला नहीं, आप अपने आर्ट बोर्ड का साइज इन्वर्ट कर दें, ठीक है, आर्ट बोर्ड का साइज इन्वर्ट कर दें, या फिर चाहे वो जो पंडा प्रिंट करेगा उसको कहें कि ये इसको हॉरिजेंटल में कर दें या वर्टिकल में कर दें, तो वो प्रिंट हो जाएगा। बस ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी कि इन चीज़ों को नहीं छेड़ना और ये आपकी लेयर बनी बनाई मौजूद होगी। तो ये है कि आपने बस ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना काम करते रहना है। दो चीज़ें होगी, अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे,
वेबसाइट पे इनवेलप का तो मैं आपको दे दूंगा ये टेम्पलेट। अब आपने असल में जो काम ये है वो है बॉक्स पैकेजिंग, जिसको कहा जा सकता है पैकेजिंग का। अक्सर लोग कहते हैं पैकेजिंग कैसे होगी, पैकेजिंग का भी आसान काम है कि जैसे आप लोग यहाँ पर कलेक्शन पे क्लिक करेंगे ना तो ये चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जैसे हम नीचे स्क्रोल डाउन करें तो ये नीचे आ गया है डाई बॉक्सेस, ठीक है। अभी देखें डाई बॉक्सेस पे पैकेजिंग बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन ये प्रीमियम है तो कोई इशू नहीं। आप एक डिज़ाइनर हैं, आपको सिर्फ आइडिया चाहिए ना, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पहला ही बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स नॉर्मली यूज़ करते हैं कि जी कि कुछ ना कुछ छोटी चीज़, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी सी डायरी भेज दी, या फिर किसी कंपनी ने किसी को ना कोई प्लेट, कोई एक किस्म की क्या कह सकता है कोई छोटा बॉक्स बॉक्स से बना दिया है कि मैं भेजता हूँ जी वेलकम, एक भेजता हूँ किसी अपने कस्टमर को वेलकम टू अवर कंपनी का। उसमें हमारा कार्ड होगा, एक छोटा सा कह सकते हैं पोस्टर सा बना होगा उसके अंदर, इसके अलावा कुछ स्टिकर्स होंगे पड़े हुए, और इसके अलावा कोई लेटर, लेटर तो इनवेलप में जाएगा लेकिन बस उस बॉक्स में छोटी मोटी चीज़ें होंगी। कुछ भी कर लें, कोई पेन कर लें, या पेन भी नहीं, पेन का अलग से बॉक्सेस होते हैं, कुछ छोटी मोटी स्टिकर स्टिकर होंगे। तो ये देखें आपके पास बॉक्स मिल गया ना। अब आपने आसान काम ये, आप डाउनलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड ना करें कोई इशू नहीं है, यहाँ से स्नैप टूल खोलें। आप डिज़ाइनर अगर होंगे ना तो ये आइडिया बहुत आसान है किसी भी डिज़ाइनर के लिए इसको कॉपी करना। सिंपल यहाँ से स्नैप कर लिया, ठीक है जी। स्नैप करके आपने किया जी डेस्कटॉप पे सेव, फॉर्मेट में लिख लेता हूँ बॉक्स। यहाँ से मैंने किया इसको नीचे वेबसाइट को, मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दिया। अब बीइंग ए डिज़ाइनर, एक बंदा के जी मुझे आता नहीं या मैं कैसे करूँ, नेट से नहीं अवेलेबल, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ चीज़ें आपने डिज़ाइन, कुछ चीज़ें दिमाग से भी आइडिया सोचने होते हैं, कुछ चीज़ों को करना होता है। अब ये देखें इसको आपने सिंपली क्या करना है, सेम इसी तरह ट्रेस कर लेना है, ठीक है। अब जो रेड डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना आपको, रेड रेड, ठीक है, इसको आपने कट आउट नहीं करना, ठीक है। कट आउट नहीं करना, इसको सिंपल फोल्ड करना, ठीक है। जो बाकी एरिया ना, बाकी जो ब्लैक लाइन, जितनी भी ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ना, उसको आपने कट आउट करना है। कट आउट करना है, जो रेड लाइन्स है उसके मुताबिक उसको फोल्ड करते जाना, और ये आपका बॉक्स बन जाएगा। और ये नॉर्मली प्रिंट किस पे होता है, हार्ड हार्ड, जिनके पास जाए ना अगर पोस्टर प्रिंटर, या इनके पास जाए थोड़ी अच्छी दुकान, जाए बड़ी दुकानों के पास प्रिंटर्स वालों के पास, तो उन्होंने हार्ड कार्ड्स रखे होते हैं जिसपे ये प्रिंट होता है बॉक्सेस के लिए, ठीक है। वहाँ से सिंपल प्रिंट करवाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और यहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी डिज़ाइन उठा लें, वेबसाइट खोलें फ्री पिक पे, यहाँ पर जाएं, आपको जी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जी मैंने जी भेजना है, मैं अपना आपकी फूड वाली कंपनी, ये फूड का बैग बन गया, ये लें आपका फूड का बैग तैयार है। इसमें आप लोग टॉफीज डाल के अपनी कंपनी की तरफ से टॉफीज डाल के किसी कस्टमर को भेज दें, या कोई चॉकलेट्स डाल के भेज दें, सिंपल बॉक्स बना बनाया तैयार है। अब आप कहते हैं नहीं इससे भी बड़ी चीज़ चाहिए मुझे, ये एक छोटा सा शॉपिंग बैग सा बन गया, आपने इसको बनाई, क्योंकि आप प्लास्टिक के बैग्स तो अवेलेबल कम होते हैं, आपने इसको बना लेना है, कागज़ का बैग बनाना है, उसको खूबसूरत सा बना कर डिज़ाइन करके दे देना है। ये बहुत सारी अवेलेबल डिज़ाइन है, आप अगर इसको सर्च करें तो आपको 150 के करीब ये डिज़ाइन अवेलेबल, यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी होगा, मैंने अभी इसको देखा, ये देखें 120 सोर्सेज रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। 120 मीन्स के 120, 120 बहुत ज़्यादा होती है, आप मतलब जितने मर्जी आप काम करें, पैकेजिंग की फैक्ट्री खोल सकते हैं इसको देख के, कोई मसला नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल। आप ये देखें सिंपल मग के लिए ये बॉक्स है, इसमें कुछ नहीं किया हुआ, आपने सिंपली डाउनलोड करना है, इसको देखना है, इसको सेम ट्रेस करना है। अगर आप डिज़ाइनर हैं और अगर आप बिल्कुल ही गए गुजरे हैं तब तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर यार भाई आप फिर काम करो, डिज़ाइनिंग भी छोड़ दो कोई, और उसके अलावा कोई और काम कर लो, कोई अच्छा काम कर लो। तो डिज़ाइनिंग अच्छी, उस बंदे के लिए डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है जिसको ये ट्रेस करना ना आता है, इतना भी मुश्किल काम नहीं है। हाँ एक बंदे को यार फोटोशॉप ना आता हो, इलस्ट्रेटर ना आता हो, उसके बावजूद भी वो अपने आप को डिज़ाइनर किए, तो कह सकता है भाई उसकी मर्ज़ी, मैंने थोड़ी मना करना, मर्ज़ी है आपकी, जो मर्ज़ी कर सकते हैं। अच्छा जी आपका ये चीज़ भी होगी। अब हमारे पास था फ्लायर,
और ब्रोशर। अब फॉर एग्जांपल यार, सिंपल बात ये है कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना, ब्रोशर, ठीक है, ब्रोशर टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट को अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो PSD कर दें, अगर आप इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर वेक्टर कर दें, ठीक है। जैसे करेंगे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास बेतहाशा फ्लाईओवर और ब्रोशर्स बने आ जाते हैं। यार ये बहुत आसान है और ये फ्री है, ठीक है। जिसके ऊपर एक छोटा सा ये सैम्पल बना होता है ना ताज का या गोल्डन कलर का, तो ऊपर चल जाता है, आप जैसे क्लिक करेंगे ओपन होगा, वो सामने बता देगा भाई पैसे कटो फिर दवाऊंगा। तो भाई हम क्यों पैसा निकालें, हमें तो फ्री में करना है काम, तो आजकल फ्री चलता है सब कुछ। ये देखें अब मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ये बहुत सिंपल सा और बहुत प्लेन सा डिज़ाइन है। एक अब इसका भी हिसाब है, A4 का पेज लेना है, उसको ओरिजेंटल करना है और सिंपल आपने बना लेना है। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो एक इशू ये आता है कि आपको इसके लिए अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है, तो वो फ्री है, आपका गूगल अकाउंट तो है ना, आप उसी अकाउंट के थ्रू इसमें एंटर हुए और वो आपको ये चीज़ डाउनलोड करने देगा। आप देखें ये ऊपर लोड हो रहा है, ये देखें ये आपका डिज़ाइन आ गया है। ये परेशान नहीं होना, ये जो इन्होंने एनिमेशन बनाई हुई है कुछ भी नहीं है, डाउनलोड करने देगा वो आप। डाउनलोड हो गया, मैं यहाँ डेस्कटॉप पे गया, इसको मैंने राइट क्लिक करके अनजिप किया या एक्सट्रैक्ट किया, ये देखें जी आपके पास बनी बनाई अलग किस्म की फाइलें पड़ी हैं, ये लें जी। अब ये तो इश्यू होगा, अब नेट से डाउनलोड किया तो ये फॉन्ट्स का इशू तो होगा, आप फाइंड भी कर सकते हैं, या आपको नहीं भी चाहिए, आपको आइडिया चाहिए ना, आइडिया मिल गया ना, आइडिया आप इसको यूज़ करें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये देखें जी आपके पास बने बनाए ब्रोशर A4 पेज साइज के अवेलेबल हैं हॉरिजेंटल में, तो ये देखें जी सिंपल काम है। बस टेक्निक ये है कि आपने अपने डिज़ाइन के मुताबिक कुछ मिलते जुलते डिज़ाइन बनाने हैं, तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। लास्ट में जो हमारा रह गया था वो है फ्लायर, फ्लायर टेम्पलेट भी देख लेते हैं, वो भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। अब फ्लायर एक किस्म का, ये तो ब्रोशर का ही दे रहा है, ये होता है फ्लायर का जा सकता है। अच्छा जो फ्लायर होते हैं वो होता है फ्रंट से और बैक से, अक्सर देखा होगा फ्लायर फ्रंट से और बैक से कैसे होते हैं कि आपने किसी अकेडमी का तो देखा होगा ना, ठीक है, आपके घर पे एक पंपलेट सा आता है, उस वो समय फ्लायर होता है, उसके फ्रंट और बैक पे जी लिखा होता है जी वेलकम टू क्या जी किप्स अकेडमी, अक्सर नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम है इस्लामाबाद रावलपिंडी में किप्स अकेडमी। तो बैक साइड पे उनका जी नाम लिखा होता है किप्स अकेडमी, फॉर एग्जाम्पल फ्रंट कह लो उसको जी, फ्रंट साइड पे लिखा होता है किप्स अकेडमी, एक बच्चे की तस्वीर होती है जो किसी ने कभी पढ़ा नहीं होता, उसकी तस्वीर उठा के डाल देते हैं खूबसूरत सा, उसको मेकअप करते हैं, खूबसूरत सी पिक्चर लेकर डालते हैं, नाम लिखते हैं, ये होगा जी फ्रंट। इसको जब उल्टा करते हैं, उल्टे पे क्या लिखना होता है जी, हमारे पास ये कोर्सेज हैं, इतने इतने पैसे हम छिकेंगे आपसे, तो मतलब कि वो आपको टोपी बनाने वाले साहब कह रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत मैं आज अजीब सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो माइंड ना करना, माइंड कर भी लें तो मुझे क्या है, अगली वीडियो देखते रहना बेशक। अच्छा ये मैं बता था, इसमें आपने लिख लेना कुछ टेम्पलेट्स है और वो एंड पे ना कुछ डिज़ाइन विज़ाइन डाल लेते हैं जो उनके कार्ड पे या चीज़ों पे अवेलेबल होता है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, प्रिंट करवाया और लोगों के घर में धड़ाधड़ भिजवा दिया या ऑनलाइन चढ़ा दिया। तो ये देखें ये एक आंटी का है जी, नहीं आंटी छोड़ें जी, आंटी नो, ये थोड़ा सा अजीब सा है। इसमें पिक्चर होते हैं, पिक्चर में यही इशू होता है कि आपको पिक्चर यूज़ करनी पड़ेगी यार, पिक्चर वाले ना लो, आपको किसने कहा पिक्चर वाले लो, ये देखें आंटी के साथ ही अवेलेबल है, हमें CMY मोड में भी अवेलेबल है, ठीक है जी CMY के मोड में। अब ये देखें जी सिंपल, इसमें कोई पिक्चर विक्चर है नहीं है ना, अब ये किस्म का इसका फ्रंट हो गया, बैक भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसका फ्रंट बनेगा उसी का कुछ मिलता जुलता है, सब बैक पर डाल के काम खत्म। तो ये एक किस्म का आपका फ्लायर भी हो गया, ब्रोशर भी हो गया। अब मैं आपको बनाना नहीं सिखा रहा, क्यों, असल में हर बंदे का डिज़ाइन डिफरेंट होता है, अब मैं एक बना भी दूँ तो कोई इसमें नहीं फर्क है, अब मैं बनाऊँ बैठे, अब देखें सिंपल टेम्पलेट या बने बनाए, आपने सिंपल क्या करना है, अपने डिज़ाइन के मुताबिक अपने आइडिया के मुताबिक इस वेबसाइट पे आओ, किसी भी वेबसाइट पे, जो मैं नहीं कहता भाई इसी पे आओ, जाओ इस चीज़ को देख के अपना एक आइडिया बना लो, कोई इशू नहीं है, आजकल सब चलता है।
और वीडियो देखे कुछ लोग ये कहेंगे यार भाई ये तो बच्चों को गलत चीजें सिखा रहे हैं, अभी बिगनर ही हैं उनको ये कॉपी कट करना सिखा रहे हैं, कॉपी कट करना सिखा रहे हैं। यार पहले कुछ आ तो जाए, कुछ आइडियाज बंदे के दिमाग में आए, देख के तो आएगा किसी की चीज को। अब मैं बैठा हुआ यार, मैं बैठे बैठे क्या करूँ। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर जाता हूँ घूमने, मैं कोई अच्छा सा बैनर देखता हूँ, अच्छा सा पोस्टर देखता हूँ किसी चीज का, सर्विस बाटा की सेल लगी हुई है, मैं वहां जाता हूँ उसका फ्लायर देखता हूँ, वाह यार क्या खूबसूरत है। अब अक्सर देखा होगा बंटिंग, बंटिंग बोलते हैं, बंटिंग होता है वो लटके हुए होते हैं, उनके 50% ऑफ, 30% ऑफ, उस पर क्या होता है कुछ भी नहीं, व्हाइट बैकग्राउंड होता है, रेड कलर से लिखा होता है 50% ऑफ। हम देखते साथ कहते हैं वाह यार तो बाटा, ये तो सर्विस की है, यहाँ बाटा की है, ऊपर लिखा होता है छोटा सा सर्विस है, निशान होता है, यहाँ निशान अक्सर जगह तो निशान भी नहीं बना होता, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर रेड कलर का लिखा होता है, तो हम लोग सोच लेते हैं यार यहाँ ये सर्विस का होना है या यहाँ बाटा का होना है, क्योंकि ये रेड कलर की होती है। ठीक है, ये भी एक छोटा सा टेम्पलेट खोला है, तो सिंपल है कि ये डाउनलोड हो सकता है, लेकिन ये है कि हाँ ये भी EPS में है, इलिस्ट्रेटर की फाइल है, तो ये भी ओपन करें, एडिट करें, वो लाला खैर सला। तो ये है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मैं आपको टेम्पलेट कुछ दे दूंगा, इसके साथ भी एनवेलप का दे दूंगा, एक पेन पैकेजिंग का है वो भी दे दूंगा, ताकि आप लोग इसको देख कर उसमें एडिट करके अपनी चीज़ें बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।